गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग का मैं स्टार्ट कर रही हूँ 7:00 से। और आप देख सकते हैं कमरा मेरा पूरा मैसी पड़ा हुआ है, क्योंकि रात से ही पैकिंग स्टार्ट है हमारे। वहाँ तनु जा रही हैं गांव। आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि तनु को गांव जाना है, तनु का एडमिशन है। और अभी जो देखे हैं ना, जो बिल्डिंग अभी पीछे गई है, पहले मेरा डायलिसिस इस बिल्डिंग में होता था। ये भी हॉस्पिटल है, यहाँ का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर मेरा डायलिसिस इसके पहले होता था, क्योंकि जो मेरे डॉक्टर हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, वो पहले इस हॉस्पिटल में बैठते थे, अभी तो वो दूसरे हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और तनु का आज सुबह 11 बजे का फ्लाइट है। और अभी हम और तनु और उसके पापा तीनों लोग कैब में बैठे हुए हैं। और बस ये रास्ते का व्यू है। फ्लाइट से तनु इसलिए जा रही है क्योंकि तनु अकेले जा रही है गांव। मैं अभी नहीं जा सकती हूँ, और इसके पापा का अभी इधर काम है, तो वो तो अभी जाने से रहे, वो तो जाएंगे नहीं। और मैं जा सकती थी, लेकिन मेरा इलाज चल रहा है जैसे कि आप लोग को पता है, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकती हूँ अभी गांव। मैं जाऊँगी कुछ दिन बाद, मतलब 2-4 महीने बाद जाऊँगी। अभी मेरा कुछ कंफर्म नहीं है मैं कब तक यहाँ पे रहूँगी। और ये मॉर्निंग का टाइम है, ये मॉर्निंग 9:30 का व्यू है। और ये जो आप देख रहे हैं ना फिश बना हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आता क्या था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा था, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए कैमरे में कैप्चर कर लिया है। और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि ये फिश वाला क्या बिल्डिंग में है, तो मतलब यहाँ के जो हैदराबाद में घूमने फिरने वाली जगहों में से ये एक कोई जगह है जिसका नाम मुझे नहीं पता। मैंने कैब वाले भैया से भी पूछा कि ये क्या है भैया, लेकिन उनको भी कुछ आइडिया नहीं था। तो लेकिन देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैंने कैप्चर कर लिया कैमरे में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अभी कैब वाले भैया से इसके पापा बात कर रहे थे कि पहले एयरपोर्ट, मतलब हम लोग के जो कॉलोनी है वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन अभी 45 मिनट का रास्ता हो गया इतनी दूरी पे, मतलब 15-20 किलोमीटर दूरी पे हो गया। शमशाबाद में एयरपोर्ट बनाया गया, जो कि शायद हैदराबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या क्या है, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। लेकिन गाइज बहुत अच्छा व्यू था, मॉर्निंग का टाइम था, साफ सुथरा और एरिया मतलब बिल्कुल नेचुरल, हर चीज़ बहुत देखने में अच्छा लग रहा था। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने कैमरे में कैप्चर किया। और रियल में जो एक नेचुरल सुंदरता होती है ना प्रकृति की, मतलब ऐसा लग रहा था। और ये जो एरिया देखने पे लग रहा था ऐसा हम लोग केरला में चले गए, लग ही नहीं रहा था कि हैदराबाद में। सारा नारियल का पेड़ और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ का छुआरे का पेड़, मतलब देखने में लग रहा था बिल्कुल हम लोग केरला में आ गए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हैदराबाद में इतने अच्छे से यहाँ का मतलब हर चीज़ व्यू था, नज़ारा था। तो हम लोग गाइज अब थोड़ी देर में हम लोग एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। और तनु को फ्लाइट से भेजने का एक रीज़न ये भी था कि तनु अकेले जा रही हैं, उनके साथ कोई नहीं जा रहा है। अगर ये बाय ट्रेन जाती ना, तो ट्रेन से 2 दिन का लगता। आज मॉर्निंग में 6 बजे ये ट्रेन में बैठती, तो कल शाम को 7 बजे मतलब रात में। और अगर दूसरी रोड से जाती, बॉम्बे होते हुए अगर ट्रेन जाता, तो 3 दिन, 2.5 से 3 दिन लगता। तो इस वजह से लड़की को अकेले ट्रेन में भेजना सेफ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उसको फ्लाइट से अकेले ही भेजा टिकट करके, जो कि अभी 11 बजे का इनका फ्लाइट है। और अभी 10:30 बज रहा होगा, हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और अब इनका चेकिंग वगैरह होगा, उसके बाद ये 11 बजे की इनकी फ़्लाइट है। और एक घंटा 40 मिनट में जाएंगे, तो इसी वजह से आप देख सकते हैं तनु जा रही हैं। यहाँ तक का हम लोगों का सफ़र था माँ बेटी और बाप का, इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग का मतलब एंट्री करना अलाउड नहीं था। हम लोग वहाँ से वापस आ गए, तनु अपना खुद ही अकेले गई। और अंदर इनका जाने के बाद इनका मतलब जो भी चेकिंग वगैरह होता है सामान का, और पता नहीं क्या क्या उन लोग का जो भी प्रोसेस होता है, वो सब तनु खुद ने अकेले किया। उसके बाद हम लोगों ने अपना एक बस किया, बस में बैठ के हम लोग वापस आ गए। गाइज मन तो बहुत दुखी है कि तनु के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी यहाँ पे, अकेले मैं क्या करूँगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, तनु को भेजना भी ज़रूरी था क्योंकि उनको एडमिशन कराना है। और इधर जैसे होता है ना, बच्चे जहाँ पे पढ़ लेते हैं, जहाँ पे मतलब उनका मन लगा रहता है, मेरे घर में यहाँ पे तनु बिल्कुल अकेले पढ़ जाती थी, कोई उनके साथ खेलने वाला नहीं, कोई मतलब पढ़ने वाला नहीं। और घर पे मेरे भाई के बच्चे हैं, 3-4 बच्चे, 4-5 बच्चे, ये मायके में ही मेरे जा रही हैं, मतलब अपने दादाजी के घर नहीं जा रही हैं, मायके में मेरे जा रही हैं, तो वहीं पे रहती हैं। तो वहाँ पे और भी बच्चे, तो उनके साथ उनका पढ़ना लिखना, यहाँ नहीं मन लग रहा था, तो जा रही हैं। अब देखिए कब तक तनु आ रही है वापस फिर।
तो मन तो मेरा बहुत ज़्यादा दुखी है कि मैं अकेले कैसे रहूँगी, ये दिन भर अपने ऑफिस चले जाएंगे, मतलब साइट पे चले जाएंगे और पूरे दिन हमको अकेले रहना रहेगा और डायलिसिस भी हॉस्पिटल भी अकेले जाना रहेगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चों की जीत के आगे तो माँ बाप को झुकना पड़ता है ना, तो बस मेरी भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करिएगा। और मुझे एक बात आप लोगों से कहना था कि कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मतलब सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को कर लेते हैं और मुझे बताते भी हैं मैसेज के थ्रू कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन मैं तो उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेती हूँ, उनके वीडियोज़ भी देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ, मैं पूरा टाइम देती हूँ उनके वीडियोज़ को। हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि हफ्ते में दो दिन मेरा डायलिसिस में जाता है तो वीडियो मैं एक दिन दो दिन बाद देखती हूँ, लेकिन मैं देखती सबकी वीडियो। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे भी हैं जो मेरे चैनल को मुझे दिखाने के लिए सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा मतलब कुछ दिनों से हो रहा है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर, 3-4 सब्सक्राइबर मेरे इधर मतलब सब्सक्राइब करने के बाद फिर अनसब्सक्राइब कर दिए, तो ये गलत बात है। या तो आप किसी का चैनल सब्सक्राइब मत करो, सब्सक्राइब करो तो उसे फिर अनसब्सक्राइब मत करो, ये गलत बात है। अगला आप पे ट्रस्ट कर रहा है, विश्वास करके आपके चैनल को देख रहा है, लाइक कर रहा है, तो अगला बेवकूफ़ तो नहीं ना है, अपना पूरा टाइम आपको दे रहा है। तो बस यही मुझे कहना था कि, और अगर मेरी बात से किसी को हर्ट हुआ हो तो मैं उससे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट पे चले गए चाय वगैरह पीने और कुछ नाश्ता वगैरह करने। तो बस गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक, आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। ओके बाय।